नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, योगा और एंड वेलनेस ट्रेनर, आपके लिए आज एक बहुत सुंदर अच्छा वीडियो लेके आए हैं सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के बारे में आप पहले से कुछ जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, डजंट मैटर, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार योग के क्षेत्र में सबसे पावरफुल और महत्वपूर्ण योग की पद्धति है। सूर्य नमस्कार आसनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है। निश्चित रूप से जीवन में हम बहुत अधिकतम समय बुद्धि के साथ जीते हैं, इसलिए जब तक हमको कोई चीज़ के लाभ के बारे में पता नहीं लगता, हम उसको जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। यस नो? तो अभी सूर्य नमस्कार के थोड़ा लाभ के बारे में हम जानेंगे, उसका सूर्य नमस्कार अच्छे से सीखेंगे। अगर अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि सूर्य नमस्कार के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से सूर्य नमस्कार निरंतर जीवन में कर पाएंगे, ठीक है। तो दो तरह की एक्सरसाइज होती है, एक होती है मसल्स बिल्ट, एक होती है स्टेमिना बिल्ट। तो जैसे कि हम जब हैवी वेट कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम जाना है, पुशअप करना है, डिप्स करना है, तो इस तरह की जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स अच्छी होती है, ठीक है। और जब आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है ना, जंपिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, तो ये सब करने से आपकी स्टेमिना बढ़ती है। पर सूर्य नमस्कार एक ऐसा पद्धति है जिसमें आप अगर सूर्य नमस्कार को बहुत धीरे से आराम से करते हैं, धीरे धीरे आसनों के साथ करते हैं, तो आपकी मसल्स अच्छी होती है, आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा होता है। और जब सूर्य नमस्कार को आप थोड़ा फास्ट करते हैं, जब आप थोड़ा ट्रेंड हो जाए आसनों के साथ में, ट्रेंड हो जाए अच्छे से सीक्वेंस के साथ में, तो आप फास्ट करेंगे, तो जब फास्ट करेंगे तो आपकी स्टेमिना बढ़ती है। तो सूर्य नमस्कार जो है बोल सकते हैं एक तीर से दो निशाना, ठीक है ना। एक बार अच्छे से आप सूर्य नमस्कार सीखते हैं तो आप अपने जीवन में स्टेमिना भी बढ़ा सकते हैं और आपकी मसल्स भी अच्छी हो सकती है, आपकी बॉडी का पोस्चर भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर एक स्वस्थ शरीर के लिए दोनों चीज़ें जरूरी है, आपकी फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए, आपका बॉडी का पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए और आपकी स्टेमिना भी अच्छी होनी चाहिए। आप फिट हैं पर आपकी स्टेमिना नहीं है तो भी कोई अर्थ नहीं है, आपकी स्टेमिना अच्छी है पर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार से हम दोनों लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट के सामने खड़े होते हैं ताकि आप बाकी आगे के आसन करें तो आपका शरीर आपके मैट के अंदर रहे। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप रखेंगे। पहले श्वास भरा और श्वास छोड़ते हुए नंबर 1 नमस्ते की मुद्रा, दोनों हाथ नमस्ते की मुद्रा में अनाहत चक्र पे। 2 श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ के बीच में कंधों के जितना कम से कम गैप रहे, उससे थोड़ा ऊपर हो तो चलेगा, कम ना हो, ब्रीद इन बैक 2, 3 डाउन, श्वास छोड़ते हुए कमर से जितना नीचे जा सकते हैं नीचे जाएंगे। ये नंबर 3 की पोजीशन, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, दोनों कोहनियां सीधी, दोनों हाथ पैरों के बगल में, जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे। नंबर 4 राइट लेग पीछे, सूर्य नमस्कार हम राइट लेग दोनों साइड से करेंगे, तो पहला राउंड जो है हमेशा राइट से शुरू करना है, ठीक है। पैर की उंगलियां बाहर, नंबर 4 की पोजीशन, चेहरा सामने की तरफ, 5 जो पैर बाहर है राइट फुट वापस अंदर ले लेंगे, नंबर 5। इसमें ध्यान रखेंगे कि आपका कमर खिसा नीचे ना हो, बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल आपका बैक ऑफ द हेड टू हिल बिल्कुल सही स्थिति में होना चाहिए। नंबर 6 घुटने जमीन पे लेके जाएंगे, शरीर को पीछे लेके जाएंगे और आगे ले जाते हुए छाती और ठुड्डी जमीन पे, हिप का पोर्शन ऊपर। 7 पैर की उंगलियां बाहर करेंगे, भुजंग आसन में आएंगे, कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर, श्वास लेते हुए। 8 दोनों पैर की उंगली अंदर लेंगे और अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे, नंबर 8। दोनों घुटने सीधे, दोनों कोहनियां सीधी, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे दोनों एड़ियां जमीन पे लगे। अभी प्रारंभ में हो सकता है ना लगे पर अभ्यास से सब हो जाएगा। नंबर 9 राइट लेग आगे, क्योंकि नंबर 4 में राइट लेग पीछे गया था तो पहले राउंड में राइट लेग वापस 9 में आगे। 10
10, 11 एंड 12। तो ये हुआ पहला राउंड। पहला राउंड हमने राइट लेग से किया। हठ योग में दाएं और बाएं दोनों तरफ से आसन करने का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। हठ योग, ह मतलब सूर्य और ठ मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो अभी हमने अपने जो सूर्यांग का जो साइड है उसको एक्टिव किया। सेकंड राउंड हम लेफ्ट से करेंगे, ठीक है, दोनों को बैलेंस करेंगे। सेकंड राउंड ब्रीद इन और सूर्य नमस्कार को जितना आप श्वास के साथ अच्छे से करेंगे उतना आपका उसको बेनिफिट लाभ उसका बढ़ेगा, ठीक है। श्वास लिया, छोड़ते हुए नंबर वन नमस्ते की मुद्रा, आउट, ब्रीद इन, बैक, आउट, नंबर फोर लेफ्ट लेग पीछे, ब्रीद इन। ध्यान रहे नंबर फोर और नाइन में जो पैर पीछे है उसका घुटना जमीन पे, पैर की उंगली बाहर, पैर को जितना पीछे स्ट्रेचिंग दे सकते उतना देंगे। फाइव पैर के पंजे वापस अंदर लेंगे, सामने जो पैर है पीछे लेके जाएंगे और संतुलन आसन की स्थिति में आ जाएंगे। सिक्स सेवन अप, एट नंबर नाइन, क्योंकि नंबर फोर में लेफ्ट लेग पीछे था सेकंड राउंड, तो नंबर नाइन में लेफ्ट लेग आगे हो जाएगा। नाइन ब्रीथ इन, जो पैर पीछे है उसका घुटना जमीन पे, पैर की उंगलियां बाहर की ओर, जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते उतना करें। टेन इलेवन अप, ट्वेल्व। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार हम दाएं और बाएं दोनों तरफ से करेंगे, ठीक है। अब एक बार देखते हैं श्वास के साथ कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार राइट साइड से श्वास के साथ कैसे करना है वो करके देखते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा श्वास के साथ करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन नंबर टू, आउट नंबर थ्री, ब्रीद इन नंबर फोर राइट लेग पीछे, ब्रीद आउट नंबर फाइव। अब यहां पर एक ध्यान रखना है कि नंबर फाइव के बाद जब सिक्स में आते हैं तो अभी नंबर फोर से हम जब फाइव में आए हमने श्वास छोड़ी, अब छुटी हुई श्वास के साथ ही हम नंबर सिक्स में आएंगे। मतलब फाइव से जब सिक्स पे आए तो ना श्वास देना ना छोड़नी, छुटी हुई श्वास के साथ आसन चेंज करेंगे। नंबर सेवन अप, ब्रीद इन भुजंगासन, ब्रीद आउट नंबर एट, नंबर नाइन ब्रीद इन राइट लेग आगे, क्योंकि नंबर फोर में राइट लेग पीछे था तो आगे होगा। ब्रीद आउट नंबर टेन, ब्रीद इन नंबर इलेवन, ब्रीद आउट नंबर ट्वेल्व, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अब एक राउंड लेफ्ट से थोड़ा फास्ट करके बोलता हूँ, ठीक है, ताकि अब जब आप अच्छे से सीख जाएं, अच्छे से अभ्यास करें तो तेज कैसे करना है वो भी एक बार देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से करेंगे, जब सूर्य नमस्कार तेज भी करेंगे तो भी हम श्वास का ध्यान रखेंगे, कब श्वास देना है कब छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करेंगे, ठीक है। तो रोज सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। आज से संकल्प लीजिए कि कम से कम 12 राउंड सूर्य नमस्कार हम रेगुलर करेंगे, ठीक है। पहला राउंड राइट से करेंगे, दूसरा लेफ्ट से, फिर राइट से, ऐसा अल्टरनेट हम करेंगे, ताकि आपका सूर्यांग और चंद्रांग, आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिव हो, ठीक है, और आपका शरीर
ऊर्जा से भरपूर हो। ठीक है, सूर्य नमस्कार जो है आपके मणिपुर चक्र को एक्टिव करता है। सूर्य नमस्कार का सीधा संबंध मणिपुर चक्र से है, सूर्य के साथ है। तो मणिपुर चक्र जितना अच्छा एक्टिव होगा, शरीर में ऊर्जा उतनी अच्छी होगी, पूरा सिस्टम उतना अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग आज से सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। नमस्ते।